एम्प्लॉय फाइनली आ गया है और अब हमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, हमें कुछ फाइल्स मेंटेन करनी है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि भैया डॉक्यूमेंट्स कौन से लें, कैसे फाइल मेंटेन करें। तो सही आए हैं क्योंकि आज हम साथ में मिलकर यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, एचआर डॉक्यूमेंट्स फाइल। यस, एचआर में हमें कौन सी फाइल्स मेंटेन करनी होती हैं। यहाँ पे मैंने ली हैं दो फाइल्स, ये डिपेंड करेंगी आपकी हमेशा कंपनी पे। यस जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कंपनी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड कर सकती हैं। स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइप की फाइल भी बन सकती है, और अगर आपकी बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारी फाइल्स बन सकती है। मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ सेपरेट फाइल्स बन सकती हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको जर्नल फाइल्स बताऊंगी। आप जिस भी कंपनी में जाएंगे वहां पे आप इनके बारे में बता भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और आपको जो पता होगा कि किस किस फाइल में क्या क्या होता है तो ऑल्टरेशन करना बहुत ईजी होगा। किस किस तरीके की चीजें हमें लेनी है एम्प्लॉय से, पहली बात हमें वो पता होनी चाहिए। किस किस तरीके की फाइल मेंटेन होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, मतलब किस किस तरीके के हमें डॉक्यूमेंट्स लेने हैं ये पता होना चाहिए। कैसे कैसे फाइल्स बनेंगी वो तो हम बना ही लेंगे कंपनी के अकॉर्डिंग, राइट। सो इसको ऐसा ना समझिए कि हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, मैम हमारी कंपनी में तो ये भी फाइल बनती है, ये भी बनती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ इन्हीं को ही हम जगह जगह फाइल्स पर डिवाइड कर देंगे अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, राइट। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे, राइट। और दूसरा चैनल आ गया मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश ट्राई, उसको भी सब्सक्राइब करिए, उस पर भी इंग्लिश पे सेशन आने स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर फाइल एंड दैट इज पर्सनल फाइल। यस, पर्सनल फाइल। अब इसमें क्या क्या होता है इसको मैंने डिवाइड कर दिया कुछ स्टेजेस में, जैसे कि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा हो गया। ओके, फाइल आपके अकॉर्डिंग कैसे भी मेंटेन हो सकती है। जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि इसमें से किसी सेपरेट डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग सेपरेट फाइल भी बनाए तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग हो सकती है। यहाँ एक मैं बताने वाली हूँ फर्स्ट पर्सनल फाइल, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, हम जो भी फाइल बनाते हैं ना उसमें एक चीज जो सबसे पहली मैंडेटरी है, जो आपके सबसे पहले पेज पे लगी होनी चाहिए, ये भी हो सकता है जैसे आपकी फाइल ओपन होती है तो एक इस साइड का पोर्शन होता है लेफ्ट, वहां पे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं, दैट इज चेकलिस्ट, राइट। या फिर आप सबसे ऊपर लगा सकते हैं चेकलिस्ट। ओके, जो जो चीजें उस फाइल में होने वाली है, जैसे इंडेक्स होता था ना हमारा, हमारी जो बुक्स होती हैं उसमें हमारा इंडेक्स होता है ना, बस उसी को बोलते हैं चेकलिस्ट। यस, मतलब कि इस फाइल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंटेंट्स हैं। ओके, सो हम एक ऐसा इंडेक्स बना लेंगे जिससे पता है क्या होगा। मैं तो ऐसा ही करती थी, एक ना पेंसिल से उसे टिक करती रहती थी कि भाई मेरे इसमें फाइल में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इससे ये भी होता है, आप पेन से भी टिक कर सकते हैं। इससे ये भी होता है कि पहली बात कोई भी पेपर ना उसमें से निकाल ले, अगर आपने उसको पेपर को लगाया और उसके बाद आपने उसे टिक कराया तो मतलब ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं आपकी फाइल में। तो अगर कभी कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं कि किसी ने पेपर निकाल लिया तो भी पता चल जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी टिक्ड है। ओके, उसको कुछ स्पेशल टिक भी बना सकते हैं आप, और उस टिक को यू नो टेपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि टिप को कोई रिमूव ना कर सके, टिक को कोई रिमूव ना कर सके, फाइन। इस तरीके की चीजें आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर बहुत सारे लोग फाइल्स देखते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता कि ये जो एचआर में पर्सनल फाइल्स बनती है एम्प्लॉय की वो कोई भी देखता रहे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई कोई भी गया, अगर 10 लोग एचआर में काम कर रहे हैं तो सारे लोग डेली पर्सनल फाइल किसी की भी उठा उठा के देखते रहते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसीज अपने आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्सनल फाइल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा किसी एक पर्सन को दे, बहुत ज्यादा लोग हैं तो उसमें भी हमें डिवाइड करना होता है मैक्सिमम एक दो लोगों को कि किस किस की पर्सनल फाइल कौन कौन देख सकता है, किस किस डिपार्टमेंट की। ओके, ऐसा नहीं होता कहीं भी कि किसी ने भी पर्सनल फाइल एक्सेस कर ली। ओके, सो चलिए एक चेकलिस्ट हमने बना दी जिसको हम कह सकते हैं इंडेक्स, मतलब उस फाइल में जितने जितने डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो सारे पहले आपने लिख दिए और वो जब भी आप कलेक्ट करते रहे। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम पहले ज्वाइनिंग से पहले या पहले दिन करा लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, बट स्टिल बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉय के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, विच इज वेरी नॉर्मल। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि एम्प्लॉय इंटरव्यू के दिन भी नहीं लाते और उसके बाद भी डिले कर करके करते हैं। स्पेशली आप कह सकते हैं जो आप अंडर ग्रेजुएट्स हायर करते हैं बहुत बार, या ग्रेजुएट्स हैं उनकी डिग्री नहीं आई है या उनकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है जो कि बाद में आती है, तो वो हमें बाद में मिलती रहती है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो इंडेक्स है उसको हम टिक करते रहते हैं। ओके,
तो सबसे पहली चीज जो उसमें लगी हुई होगी, अब सबसे पहली या बाद में ये आपकी कंपनी पे डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड कर सकती है कि आप कौन सी चीज पहले लगाते हैं। तो यहां मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। वैसे एक तरीका होता है लगाने का कि जो डॉक्यूमेंट पहले के हैं वो पहले नीचे लगे और फिर उसके ऊपर 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 जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आए। ओके, अभी हम इसको सीखेंगे, समझेंगे कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। सबसे पहले हमें फाइल में क्या लगानी है, उसकी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जो कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स होते हैं, कोई भी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, राइट। तो वो सबसे पहले आपके फाइल में लग जाएंगे, राइट। अब क्या हुआ, ये जैसे कि कोई हमारा एम्प्लॉय है, ग्रेजुएट है, तो उसकी ग्रेजुएट की डिग्री, उसकी ग्रेजुएट की मार्कशीट्स जो हमने ली है, ऑब्वियसली ये ओरिजिनल नहीं होती है, ये फोटोकॉपी होती है। आई होप सो आपको पता ही होगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे अभी कहते हैं कि मैम मुझसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, और तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। एम्प्लॉय हमारे सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब भी वेरीफाई कराता है तो वो वहीं के वहीं कराता है और वापस ले जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं रखे जाते, इसका ध्यान रखें प्लीज। ऐसा बहुत बार पहले हुआ करता था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक रख लिए जाते थे, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है और ये कोई पॉलिसीज में नहीं आता। तो डोंट कीप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम किसी के ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकते हैं, राइट। सो अगर हमें उसे वेरिफिकेशन के लिए देखना है तो देखिए और वापस कर दीजिए, यस, बिकॉज ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उसकी चीज अपनी ओरिजिनल है उस तक पहुंच जाए, फाइन। हमें उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, हमें सिर्फ अपनी जो फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, हमारी जितनी भी उसकी जो डिग्री है, सर्टिफिकेट्स हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी चीजें पहले हमने ले ली, ओके, बिकॉज ये सबसे पहली चीज है। वैसे भी सेकेंड चीज क्या है हमारी, सेकेंड चीज आएगी हमारी उसका रेज्यूमे या सीवी, उसके बाद रिक्रूटमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसका जॉब एप्लीकेशन, जो उसने जॉब अप्लाई किया, उसने जो कवर लेटर दिया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मेल रिसीव हुआ है, हमें जॉब एप्लीकेशन अलग से रिसीव नहीं हुआ, तो उस मेल की कॉपी जरूर लें, यस, प्रिंट आउट लीजिए जहां पे मेल का सारा हुआ रहा हो। हम ऐसे ही करते हैं बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का है कि कब अप्लाई किया, कब कहाँ से आया, अगर उसने अप्लाई किया था तो वो सारे रेफरेंस होने चाहिए हमारे पास अवेलेबल। कुछ भी हो बाद में आपका वेरिफिकेशन हो कि भाई आपके पास कहाँ से कैंडिडेट आपको मिला, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो फ्यूचर में, तो आपके पास पूरी केस स्टडी एक कैंडिडेट की होनी चाहिए, एक एम्प्लॉय की होनी चाहिए। यार एक ही तो पेपर है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेल से प्रिंट निकालिए, बहुत आसानी से प्रिंट निकल जाता है। उसका जॉब एप्लीकेशन, कवर लेटर, रेज्यूमे, सीवी, वो सब लगा लीजिए। उसके बाद जो ऐसा सीवी है या रेज्यूमे है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे आपने शॉर्टलिस्टिंग करते वक्त कुछ नोटिंग्स करी है, ध्यान है हम स्क्रीनिंग करते हैं और हम कुछ नोट करते रहते हैं, यस, हो सकता है आपने पेपर पे नोट करी हो, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं लैपटॉप पे भी करती हूँ और मैं यहाँ पे भी नोटिंग्स करती हूँ। एक सीवी प्रिंट आउट निकाल के मैं जरूर उस पर नोटिंग्स करती हूँ, जैसे कि एक्सपीरियंस को टिक करती रहती हूँ, जो उसने बोला वो सेम चीजें मैच हो रही है, नहीं हो रही है फोन पे, तो बहुत ज्यादा यू नो सॉलिड मैचिंग हो जाती है कि जो उसने लिखा है वो कोई क्रैम्ड नहीं है, मतलब वो कहीं कॉपीड नहीं है, सॉरी वो कॉपीड नहीं है, वो वही चीजें बोल रहा है, नियर अबाउट वही वर्ड्स यूज कर रहा है, तो हमारी मैचिंग हो जाती है। तो वो जो है आपने कुछ नोटिंग्स करी हैं, आपको कुछ याद आई, आपने कुछ जब बात करी उससे तो आपको कुछ ध्यान आया कि हाँ ये किससे लिंक हो रहा है, ये हमारे किस प्रोफाइल में काम आ सकता है, वो सारे जो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बिल्कुल सेफ रखिए, उन्हें रफ में मत डालिएगा। इसीलिए जब भी आप एक सेपरेट कैंडिडेट पे काम कर रहे हैं तो एक सेपरेट पेपर जरूर लें, एक सेपरेट वर्कशीट जरूर लें। उसका जो आपने सीवी ही प्रिंट निकाला है ना यार, तो उसका ही चाहे लास्ट पेज यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लास्ट पेज भी इनफ होता है। हमें बहुत सारी कोई हिस्ट्री की यू नो कहानियां नहीं लिखनी है, हमें बहुत सारी स्टोरीज नहीं लिखनी होती है, हमें पॉइंट्स में ही कुछ चीजें ऐसे 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 करके नोट करनी होती है, तो वो आप कर सकते हैं, ओके। सो वो जो सारा नोटिंग वाला वो है वो आपको उसमें जरूर ऐड करना है, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि जब आपने कॉलिंग की थी आप इस शॉर्टलिस्टिंग वाले पे स्क्रीनिंग वाले पॉइंट तक कैसे आए, कैसे आपने शॉर्टलिस्ट किया किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का जो कन्वर्सेशन हुआ था, मतलब किस दिन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा वो सीवी पे ही अगर लिखा हुआ होगा ना और वो आपके उस फाइल में लगा हुआ होगा तो आपको उसकी केस जो हिस्ट्री है वो ध्यान रहेगी, यस। ये अभी ऐसा लगता है कि हाँ हमने एम्प्लॉय हायर कर लिया, खत्म हो गई कहानी, लेकिन बाद में इन चीजों की बहुत बार जरूरत पड़ जाती है। अगर आपका जो कैंडिडेट है वो फेलियर हो गया, मतलब कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं निकला, बहुत बार मैनेजमेंट को ऐसा फील होता है यार इसको कैसे रख लिया, आई थिंक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ये नहीं था, तो ये सारी चीजें आप
आपको हेल्प करेंगी अपने आप को डिफेंड करने में। ना वो आप देखेंगे, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि सेफ रखने के लिए अपने आपको ये सारे प्रूफ्स रखिए, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, यू नेवर नो। कैंडिडेट नहीं ठीक बैठता है तो बहुत बार एचआर से क्वेश्चन किए जाते हैं, ये नहीं होता, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐसे अपने ऊपर से नहीं हटा सकते कि हाँ भाई पता नहीं कैंडिडेट ने ऐसा क्यों कर दिया वो कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि वापस रिव्यू होता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम भी देखा जाता है कि कैंडिडेट पहले क्या था, अब क्या है, तो किस तरीके से स्क्रीनिंग में आपने काम किया है। एंड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बेसिक लेवल से काम कर रहे हैं, इस तरह से काम करेंगे ना, छोटी छोटी सी चीज़ें नोटिस कर करके, लिख लिख के, नोट करके, सीरियसली आप बहुत ही जल्दी एक मैनेजर पोजिशन पर पहुँचेंगे, बिकॉज आपकी जो अटेंशन टू डिटेलिंग है, मुझसे ये भी पूछा गया है, अटेंशन टू डिटेलिंग वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसने मुझे हेल्प किया है अटेंशन टू डिटेलिंग को स्ट्रॉन्ग करने में। अटेंशन टू डिटेलिंग क्या है, एक सेशन इस पर आएगा, मुझसे बहुत पहले से पूछा गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया स्किल है जिसमें हम डिटेल्स पे अटेंशन दे पाते हैं रादर देन उल्टी सीधी चीजों के, और हम ग्रैब कर पाते हैं चीजों को, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करती हैं डिटेल्स में जाने के लिए, और इस तरीके से आप अगर हर कैंडिडेट के लिए काम करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद मैं ना बहुत ज्यादा चीजें इसलिए बता देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि ये जब प्रैक्टिकली हमें काम करती हूँ तो ये आती है, तो हेल्प करेंगे आपको भी। छोटी छोटी टिप्स हैं, ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है काम करते वक्त। ओके, सो ये हो गया, फिर उसका इंटरव्यू फॉर्म, उसका फीडबैक फॉर्म, फिर हो सकता है कोई उसके लिए एक अलग से फॉर्म हो, जैसे कि जब इंटरव्यू हुए तो एक सेपरेट फॉर्म्स भी हो सकता है जो कि इंटरव्यू कमेटी ने दिया हो। अगर आपने किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बुलाया है, वहाँ पे कोई टेक्निकल इंटरव्यूज हैं, आपने किसी को बाहर से बुलवाया इंटरव्यू के लिए, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली ये होता है कि हम बाहर से किसी अच्छी फैकल्टी को बुलवाते हैं इंटरव्यूज के लिए जो कि सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, राइट। सो वहां पे अगर उन्होंने कोई फॉर्म लिखा है, कोई रिव्यूज लिखे हैं, तो वो सारी चीजें उसमें होनी जरूरी है, राइट। ये मत सोचिए कि एक कैंडिडेट हमने हायर कर दिया तो वो सैलरी ले रहा है, अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा तो वो कोई नहीं। उसका जो सिलेक्शन है वो आपको बहुत बार डिफाइन करना पड़ेगा, राइट, अपनी किसके सामने, अपने मैनेजमेंट के सामने। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई आपका साथ नहीं देगा, वहां आपको अकेले करना होगा, और वहां जब आप इतने सारे लोगों पे काम करेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा कि इस कैंडिडेट में क्या चीजें अच्छी थी, राइट। सो ये सारी चीजें सेकंड फेज में हमारी आ गई। फर्स्ट हमने देख लिए थे उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि उसके सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स थी, और सेकंड में अब ये आ गया सारा कुछ उससे रिलेटेड, उसका जॉब लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर, कवर लेटर, इंटरव्यू फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, रिक्रूटमेंट रिलेटेड शॉर्ट लिस्टिंग में जितनी चीजों ने हमें हेल्प करी वो सारी चीजें सेकंड में आ गई। उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड चीज, और अब ये थर्ड क्या हो सकती है, खुद भी अब आप सोच सकते हैं कि ये देखिए किस लेवल पे हम लोग चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। थर्ड चीज आ जाएगी अब हमारी लेटर्स इशूड। यस, लेटर्स कौन कौन से इशूड हुए, बहुत सारे लेटर्स इस पे इशू हुए। हमने इंटरव्यू का इनफैक्ट एक लेटर भेजा, मेल भेजा, उसको भी आप रख सकते हैं, मैं ऐसा रखती हूँ, आप नहीं रखना चाहें तो आप देख सकते हैं अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। जो हमने फाइनल भेजा या फिर हमने एक इंटरव्यू हुआ तो वो आप रख सकते हैं कि वो मेल हमने इंटरव्यू की थी कैंडिडेट को इस दिन, तो उसको हम प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी लेटर्स इशू हुए, हमारा ऑफर लेटर उसे इशू हुआ, और हमारा अपॉइंटमेंट लेटर उसे इशू हुआ, फिर वो ज्वाइनिंग लेटर उसने दिया, राइट, इस टाइप के सारे लेटर्स, कोई भी हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, बॉन्ड है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। नाउ अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैम ऑफर लेटर तो हमने कैंडिडेट को दे दिया, हमारे पास कैसे होगा, तो हाँ ऑफर लेटर कैसे होता है हमारे पास पता होगा, वैसे तो ओरिजिनल ऑफर लेटर हमने उसे दे दिया, फिर उसने साइन करके, जो वो साइन करेगा उसकी आप फोटो स्टेट ले लेंगे और वो आपके पास रखी जाएगी। ओके, ऐसे ही जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमने कैंडिडेट को देने हैं, अपॉइंटमेंट लेटर है वो हमें कैंडिडेट को देना है, ओरिजिनल तो उसी के पास रहेगा, तो हमें क्या करना है, साइन करा के उसकी फोटो कॉपी कर लीजिए और अपने फाइल में लगा दीजिए। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स, एक एक डॉक्यूमेंट जो हम उसे इशू कर रहे हैं, ये मिस्टेक मत करिएगा कि कुछ भी उठा के इशू कर दिया, अरे आज जल्दी थी क्या, वो जो एम्प्लॉई है वो शाम को 5:30 बजे आया, मुझे निकलना था, अरे मैं बहुत हरी हूं, मैंने क्या करा, नहीं ऐसे ही उठा के दे दिया और मैंने कहा चलो मैं कर ले लूंगा, नेक्स्ट डे वो लाया ही नहीं, वो नहीं लाएगा फोटो कॉपी करके, वाई, वो आपका काम है। ओके, सो हरी में नहीं रहना है, हरी की कोई बात नहीं है, अगर आपके पास उस वक्त टाइम नहीं है आप कह सकते हैं कि आप, मैं ये जो वर्क है ये कल करूंगा, मैं आपको कल लेटर इशू कर दूंगा। ओके, और अगर टाइम है तो टाइम थोड़ा सा लगाइए, 5-10-15 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा नहीं लगता, जब हमारी ये हैबिट में हो जाती है ना चीजें, हाथ पे हो जाती है,
तो इट्स बेटर कि हम उसको टाइमली कर लें, टाइमली कर करके दे दें और खत्म बात, ओके। उसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यस, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं हायरिंग के वक्त, ये है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। यस, बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय कहे कि भैया मुझे तो आपने हायर किया था तब तो ही नहीं बताया था ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जॉब पोस्टिंग में हमने बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 15-20 उठा के जॉब पोस्ट कर दी थी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सब अटैच करिए वहां पे कि भैया ये तुम्हारा काम है, ओके। बहुत जगह तो जॉब डिस्क्रिप्शन साइन कराया जाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन कंपनी से कैंडिडेट साइन भी कराया जाता है, तो वो अगर आपके यहाँ होता है तो वो आप साइन करा के रख सकते हैं कि उसको पता है कि ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी, अदरवाइज यू कैन कीप इट। जैसे कि आपको ध्यान रहे कि भाई मैंने इस फंक्शन के लिए और ये सारी चीजें हमने उस वक्त डिफाइन की थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें डिफाइंड होती हैं जो हमें बाद में ध्यान नहीं रहेंगी, तो उसको जरूर रख लें। इसी के साथ साथ इसी में ही आ जाएगा कोई भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, कोई भी ऐसे फॉर्म्स हैं, स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं जो कि हमने उससे साइन कराए हैं, वो सारे भी इसी में आएंगे, राइट। उसके साथ आपने कभी कोई शो कॉज नोटिस इशू करा उसको, वो भी इसी में आएगा। कोई लेटर इशू करा है वो भी यहाँ आएगा, आपको इसमें रखना जरूरी है। इसी के साथ हमारी कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, जो कि असली कहानी है, जो डिसाइड हुआ है उसका कंपेंसेशन एंड बेनिफिट, ये नहीं है कि आपको हर मंथली उसमें फाइल में लगाना है कि कितने बैठी, मतलब 29 डेज की उसकी सैलरी बैठी तो अब 29 डेज की हमने सैलरी फाइल में लगा दी, नहीं। जो एक बार मंथली उसकी सैलरी डिसाइड हो गई है, जो इंसेंटिव्स डिसाइड हुए हैं, जो भी उसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, उसका एक पेज होता है, वो पेज जरूर लगाएं वहां पे, जैसा कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो, ओके। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स का एक ही नॉर्मली पेज होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। बहुत ज्यादा आपने बहुत सारी चीजें दे रहे हैं तो हो सकता है मैक्सिमम 1 or 2 पेज का हो सकता है, उसको जरूर लगाएं, ओके। सो फोर्थ में हमने सारी चीजें देख ली जो कि अब वो है, जो कि वो जब जॉब में आ रहा है तो हमने उसको ऑफर करी है, फाइन। सो अब आप समझ गए होंगे किस किस तरीके की चीजें हमारी फर्स्ट टाइम फाइल में आती है। तो चार चीजें हमने देख ली है कंटिन्यूशन में, इसके बाद आ जाती है हमारी पांचवी चीज। आई होप सो आप गेस कर पा रहे होंगे कि इसमें पांचवी चीज अब क्या बची। जब सब कुछ हमने एम्प्लॉय का ले लिया और अब सब कुछ काम वाम करते हुए सारी चीजें आ गई हैं, तो अब क्या बचता है? अब बचता है हमारा एग्जिट इंटरव्यू। यस, एग्जिट इंटरव्यू का प्रोसेस है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है एग्जिट इंटरव्यू का तो वो भी उसके अंदर आएगा। और उसके बाद क्या बचा? उसके बाद हमारा कोई रिटायरमेंट रिकॉर्ड्स है, रिटायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं बहुत सारी जगह। और उसके बाद क्या? टर्मिनेशन। यस, अगर टर्मिनेशन हुआ है तो उसके रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे, फाइन। ये सारी तरीके की चीजें इस पे इंक्लूड हो जाएंगी। और अब क्या बचता है? क्या बचता है में अब आता है आपका FNF। यस, आपका नो ड्यूज। सबसे पहले नो ड्यूज, जो कि कई जगह से साइन होता है, तो वो एक नो ड्यूज का फॉर्म होता है, वो आएगा आपका, और एक FNF। यस, तो ये सारी चीजें कैसे कैसे आ रही है, नीचे से लेके ऊपर तक हम आ रहे हैं। FNF क्या? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जिसके बारे में मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी गई है। इस पे भी एक सेशन आएगा, कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा, इसका एक फॉर्म लग जाएगा, मतलब उसमें कुछ मेजर चीजें होती हैं, वो सारी चीजें होंगी, वो एक वन पेजर में आ जाएगा आपका और वो आपका लग जाएगा। मतलब कि एक समरी टाइप लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारी जो कहानियां हो रही हैं पीछे बैक में, वो सारी चीजें उस फाइल में लगेगी, फाइन। हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जो कि कंक्लूसिव है, मतलब एक चीज रिलेटेड, लास्ट मतलब फाइनल क्या है वो हमारा डॉक्यूमेंट उसमें लग जाएगा, ओके, फाइन। सो ये हो गई हमारी पर्सनल फाइल। इसमें से कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, इसी में जो ये फोर्थ पॉइंट था मैंने जिसमें बताया आपको पॉलिसीज और शो कॉज नोटिस, इसी में अगर हमने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, कोई हमने लेटर इशू कराया है उसको, तो भी हो सकता है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। नाउ इसमें मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वैसे ये पर्सनल फाइल में ही आती हैं। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इसमें से कोई चीज, जैसे कि शो कॉज नोटिस है या डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो सेकेंड टाइप की फाइल में आए। सेकेंड टाइप की फाइल कौन सी? तो सेकेंड टाइप की फाइल है हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल। यस, हो सकता है कि हमारे जो कंपनी का रूल है उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर जो आपका शो कॉज नोटिस किसी को इशू किया है, उस तरीके की जो चीजें जो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल हैं, थोड़ी सी हम प्राइवेट समझते हैं कि सब लोग ना देखें। पर्सनल फाइल इज समथिंग कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि बहुत बार एक्सेस करा जा सकता है उसका, कि भाई ये देख लें, ये देख लें, आज पर्सनल फाइल में इसकी ये देख लें। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया ऐसा नहीं है कि रोज कोई भी आकर पर्सनल फाइल किसी एम्प्लॉय की एक्सेस करता रहेगा, ये बिग नो है, बहुत सारी डिटेल्स हैं उसकी, तो आप ऐसे किसी को अलाउ नहीं कर सकते हैं, फाइन। सो
ये हो गया फर्स्ट पॉइंट में। इसी में मुझे याद आया जो हमारी पर्सनल फाइल थी, सॉरी ये मुझसे स्किप हो गया, वहां पे जहाँ पे मैंने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे थे ना, वहीं पर आईडीज एंड फोटोग्राफ्स भी आ जाएंगे आपकी। ओके, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फोटोग्राफ्स किसी क्वांटिटी में लेते हैं कि 2-4, तो इस तरीके से फोटोग्राफ्स हो सकती है और उसके साथ क्या हो सकता है आपके आईडी प्रूफ्स। ओके, तो वो भी उसी में आ जाएंगे, वो चीजें हैं जो वो हमें सबमिट करा है, उसके पास ऑलरेडी अपनी है। फाइन, अब आ जाती है हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल, जो कि नाम से पता चल रही है, जिसमें आने वाली हैं बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें जो कि हम डेली में ना तो एकदम एक्सेस कर सकते हैं और ना ही हर कोई एचआर एक्सेस कर सकता है। हर कोई एचआर मतलब जो डेली पर्सनल फाइल भी एक्सेस करता है वो भी कॉन्फिडेंशियल फाइल ऐसे एक्सेस नहीं करेगा। ओके, अब क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है तो खुद भी समझ सकते हैं किस टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो कैसी चीजें हो सकती हैं, अब ये हो सकती है हमारी बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक। यस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और रेफरेंस चेक हमने कराया। अब हमने क्या क्या सोर्सेज यूज करे, क्या क्या मेथड था, हमारे पास फॉर्म आया। अब हम ये नहीं बताना चाहते कि भाई इसका क्या प्रोसेस था या फिर वो हर समय कोई देख सके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है कि भाई हमारे पास जो फीडबैक आया उसमें क्या था, वो हमने नोट कर लिया, हमने लिख लिया। तो इस तरीके के जो पेपर्स हैं ये आपके इसमें आ जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी जगह मेडिकल टेस्ट होते हैं, ड्रग टेस्ट होते हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो वो भी हमारे उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी हमारे पर्सनल फाइल में ही लगेंगी। इसके बाद इमिग्रेशन फॉर्म होता है, एक I-9 फॉर्म। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम मैं कभी और बात करूंगी, बिकॉज अपने अपने प्रॉपर सेशन है, राइट। तो इमिग्रेशन फॉर्म है I-9 फॉर्म, इसको हम रख सकते हैं उसमें। फिर है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी इसमें रखा जाएगा। कोई वर्क प्लेस डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ और उसकी कुछ रिपोर्ट आई, राइट, तो उसको भी हम इसी के अंदर रखेंगे। इसके बाद है हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कोई क्लेम बेनिफिट्स हम ले रहे हैं, कोई इंश्योरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी इस तरीके की चीजें, तो वो हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल पे आएंगी। ओके, सो ये हो गई हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल। इसके अलावा कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपनी डिफाइन करती है वो हमारे इसमें हो सकते हैं। एक हमारी अलग से बेनिफिट फाइल भी हो सकती है। फाइल्स के बहुत सारे नाम हो सकते हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग तरीके से लगाने के लिए, राइट। जैसे कि मैंने मेडिकल फाइल की बात करी कि मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो मैंने कॉन्फिडेंशियल फाइल में ही मेडिकल रिकॉर्ड्स को ऐड करा। तो हो सकता है आपके यहाँ ऐसा हो कि मेडिकल फाइल अलग से बने, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं, स्पेशली अगर आप एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हैं, मतलब आप किसी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ हो सकता है कि कुछ आपके टेस्ट वेस्ट होते हों, कोई इस तरीके की चीज़ें हों, वहाँ पे हो सकता है मेडिकल फाइल आपकी अलग बने। जैसे कि क्लेम वगैरह की मैंने बात करी, तो वहाँ हो सकता है बेनिफिट फाइल एक अलग से हो। ओके, सो ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की चीजें हमें एम्प्लॉय से लेनी है, उनको किस किस फाइल में बांटना है, ये हमारी कंपनी के हिसाब से डिपेंड कर सकता है, राइट। सो आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं, बिकॉज ये मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया है कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉय है तब भी आपके लिए हेल्पफुल है, राइट। सर टिल नेक्स्ट वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन एक चीज रह गई, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पेंडिंग हो गए हैं, ऐसा ना सोचे मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे करके ना मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगी। क्या होता है, जैसे ही ये सेशन अपलोड होता है ना, तो मैं वहीं पर ही होती हूँ जब अपलोड कर रही होती हूँ, तो एकदम से अगर किसी का मैसेज ब्लिंक होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं तुरंत एकदम रिप्लाई कर देती हूँ। तो इसलिए कुछ मैसेजेस रिप्लाई हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचे कि मैम आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूंगी। क्वेश्चन आंसर सेशंस भी आने वाले हैं बहुत सारे, तो देखते रहें, बताते रहें कैसे लग रहे हैं, और चलिए हैप्पी वॉचिंग, बाय बाय।